यादव कुनबे की छोटी बहू यानी कि मुलायम सिंह यादव जी की बहू अपर्णा विष्ट यादव, जो साल 2022 में यूपी के विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी में शामिल हो गई, तब से लगातार कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अपर्णा विष्ट यादव को आखिरकार कोई बड़ा पद, कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी या फिर नहीं। इस पर सभी की नजरें टिकी हुई है, लेकिन बार बार अपर्णा विष्ट यादव और उनके समर्थकों की उम्मीदों पर पानी फिरता हुआ ही नजर आता है। एक बार फिर से अटकलें तेज हुई कि कहीं ना कहीं अपर्णा विष्ट यादव को आगे किया जा सकता है। दरअसल आपको बता दें कि यूपी में अब नगर निकाय चुनाव बेहद नजदीक है। आगामी 4 मई और 11 मई के दिन वोटिंग होगी और 13 मई को नतीजे सामने आएंगे। ऐसे में देखा जाए तो बीजेपी के लिए हॉट सीट मानी जाने वाली लखनऊ सीट से मेयर पद की दावेदारी के लिए अपर्णा विष्ट यादव को लेकर अटकलें तेज हो रही थी कि कहीं ना कहीं अपर्णा विष्ट यादव को आगे किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। यहां पर बीजेपी ने सुषमा खरगवाल को आगे कर दिया और अब अपर्णा विष्ट यादव ने हाल ही में चुप्पी तोड़ दी, जैसा कि हमने आपको बताया ही था बीती पिछली रिपोर्ट में। लेकिन अब देखा जाए तो अपर्णा किस तरीके से यहां पर सुषमा खरगवाल के समर्थन में उतर आई हैं। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज़। दरअसल अपर्णा विष्ट यादव ने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार उन्होंने बीजेपी पार्टी क्यों ज्वाइन की। अपने तमाम इंटरव्यूज़ में वह अब तक कई खुलासे कर चुकी हैं, लेकिन दूसरी ही तरफ अपर्णा विष्ट यादव से हाल ही में पूछा गया कि मेयर पद के लिए उन्हें आगे तक नहीं किया गया। उनका कहना रहा कि बीजेपी में वह किसी लालच के चलते नहीं आई हैं, किसी पद और प्रतिष्ठा के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन नहीं की है। देखा जाए तो बीजेपी उन्होंने आखिरकार क्यों ज्वाइन की, उन्होंने साफ तौर पर बताया कि देश की सेवा के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। ऐसे में देखा जाए तो यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ क्या वाकई में अपर्णा विष्ट यादव को आगे करते हुए नजर आएंगे या नहीं, ये वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। फिलहाल आपको जानकारी दे दें कि अपर्णा ने सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट साझा किए हैं। यहां पर उन्होंने एक तस्वीर साझा की है इन तस्वीरों को साझा करते हुए वह लिखती हैं कि आज भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोषित लखनऊ महापौर की प्रत्याशी श्रीमती सुषमा खरगवाल जी एवं समस्त भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील की। यहाँ पर उन्होंने सुषमा को भी टैग किया है और साथ ही साथ सीएम योगी आदित्यनाथ और गृह मंत्री अमित शाह को भी टैग करती हुई नजर आई हैं। तो वहीं अपर्णा विष्ट यादव ने तमाम तस्वीरों को साझा किया है और सुषमा खरगवाल भी उनके साथ नजर आ रही हैं। अपर्णा विष्ट यादव ने यहाँ पर अपनी बात भी रखी है। अपर्णा विष्ट यादव यहाँ पर देखा जाए तो सुषमा खरगवाल के साथ नजर आ रही हैं और वह यहाँ पर बीजेपी के लिए अब चुनावी मैदान में उतरती हुई देखी जा रही हैं। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो अपर्णा विष्ट यादव को यहाँ पर छोटी मोटी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, क्योंकि दावे तो ये तक किए गए थे कि मैनपुरी में जब उपचुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं अपर्णा को स्टार प्रचारक के तौर पर आगे किया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। तो अब देखा जाए अपर्णा विष्ट यादव इस वक्त यहां पर एक स्टार प्रचारक की तरह ही काम कर रही हैं। वह वोट के लिए अपील करती हुई नजर आई हैं एक कार्यक्रम का जब वह हिस्सा बनती हैं। देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार अपर्णा विष्ट यादव आने वाले वक्त में क्या कुछ करती हुई नजर आ सकती हैं। लेकिन यहां पर बीजेपी को लेकर, अपर्णा विष्ट यादव को लेकर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, या आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि दावे तो ये तक किए गए कि शिवपाल सिंह यादव जब सपा में वापसी कर सकते हैं तो क्या अपर्णा को भी वह वापस ले जाते हुए नजर आएंगे। देखते हैं कि डिंपल यादव और अखिलेश यादव का क्या कुछ फैसला सुनने को मिलता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।